hearing is being carried on as per the standard operating procedure. I am not authorized to speak anything. The high level committee and its member will give you details once they come out. Thank you. ये हम भगवान जगन्नाथ जी के ऊपर भरोसा करते हैं और भगवान के ऊपर आशा भी रखते हैं कि आज जो काम किया गया है राज्य सरकार की ओर से हो या मंदिर के प्रशासन की ओर हो, हम भगवान के पास भी इतना प्रार्थना करते हैं कि ये काम बढ़िया आराम से हो जाए और शांति श्रृंखला से हो जाए, किसी को कोई मुसीबत ना आए, कोई कैसे निंदित ना हो या किसी को कोई आक्षेप ना करे, वो काम निपट जाए, वही आशा थी हमारी। 20 साल तक जो हम सरकार के पास गुहार लगा रहे थे, खुलना चाहिए खुलना चाहिए खुलना चाहिए, जो सरकार कर्णपात नहीं कर रहा था, आज भाजपा सरकार जो एक महीना के अंदर वादा किया था उसको निभा रहा है। चार द्वार खोलना हो या रत्न भंडार खोलना हो, उससे भगवान जगन्नाथ जी के पास वो काम करने के लिए व्यवस्था निर्माण किया गया है, वो काम आज शुरू हो रहा है। काम शुरू करने से पहले माता विमला जी की और महालक्ष्मी जी की, शंकर भगवान की पूजा करने के बाद में ही हम भगवान की रत्न भंडार को चाबी लगाएंगे। अगर वो चाबी जो हमारे पास में सरकार के पास में है उसमें अगर काम नहीं निपटा तो चाबी को काट दिया जाएगा, उसकी व्यवस्था भी किया गया है टीम को ला। Everything is being carried on as per the standard operating procedure. I am not authorized to speak anything. The high level committee and its member will give you details once they come out. Thank you. ये हम भगवान जगन्नाथ जी के ऊपर भरोसा करते हैं और भगवान के ऊपर आशा भी रखते हैं कि आज जो काम किया गया है राज्य सरकार की ओर से हो या मंदिर के प्रशासन की ओर हो, हम भगवान के पास भी इतना प्रार्थना करते हैं कि ये काम बढ़िया आराम से हो जाए और शांति श्रृंखला से हो जाए, किसी को कोई मुसीबत ना आए, कोई कैसे निंदित ना हो या किसी को कोई आक्षेप ना करे, वो काम निपट जाए, वही आशा थी हमारी। 20 साल तक जो हम सरकार के पास गुहार लगा रहे थे, खुलना चाहिए खुलना चाहिए खुलना चाहिए, जो सरकार कर्णपात नहीं कर रहा था, आज भाजपा सरकार जो एक महीना के अंदर वादा किया था उसको निभा रहा है। चार द्वार खोलना हो या रत्न भंडार खोलना हो, उससे भगवान जगन्नाथ जी के पास वो काम करने के लिए व्यवस्था निर्माण किया गया है, वो काम आज शुरू हो रहा है। काम शुरू करने से पहले माता विमला जी की और महालक्ष्मी जी की, शंकर भगवान की पूजा करने के बाद में ही हम भगवान की रत्न भंडार को चाबी लगाएंगे। अगर वो चाबी जो हमारे पास में सरकार के पास में है उसमें अगर काम नहीं निपटा तो चाबी को काट दिया जाएगा, उसकी व्यवस्था भी किया गया है टीम को ला। Everything is being carried on as per the standard operating procedure. I am not authorized to speak anything.
द हाई लेवल कमिटी एंड इट्स मेंबर विल गिव यू डिटेल्स वंस दे कम आउट। थैंक यू। ये हम भगवान जगन्नाथ जी के ऊपर भरोसा करते हैं और भगवान के ऊपर आशा भी रखते हैं कि आज जो काम किया गया है राज्य सरकार की ओर से हो या मंदिर के प्रशासन की ओर हो, हम भगवान के पास भी इतना प्रार्थना करते हैं कि ये काम बढ़िया आराम से हो जाए और शांति श्रृंखला से हो जाए, किसी को कोई मुसीबत ना आए, कोई कैसे निंदित ना हो या किसी को कोई आख्याप ना करे, वो काम लिपट जाए। वही आशा थी हमारी 20 साल तक जो हम सरकार के पास गुहार लगा रहे थे, खुलना चाहिए खुलना चाहिए खुलना चाहिए, जो सरकार कर्ण पात नहीं कर रहा था। आज भाजपा सरकार जो एक महीना के अंदर वादा किया था उसको निभा रहा है। चार द्वार खोलना हो या रत्न भंडार खोलना हो, उसे भगवान जगन्नाथ जी के पास वो काम करने के लिए व्यवस्था निर्माण किया गया है, वो काम आज शुरू हो रहा है। काम शुरू करने से पहले माता विमला जी की और महालक्ष्मी जी की, शंकर भगवान की पूजा करने के बाद में ही हम भगवान की रत्न भंडार को चाबी लगाएंगे। अगर वो चाबी जो हमारे पास में सरकार के पास में है उसमें अगर काम नहीं लिपटा तो चाबी को काट दिया जाएगा, उसकी व्यवस्था भी किया गया है टीम को लाकर।